सब जगह अंधकार ही दिखाई दे रहा है, तो कैसे आप कौन से मंत्र का जप करके, कौन से उपाय करके आप जीवन में परेशानियों को दूर कर सकते हैं, वो रहस्य हम आपके समक्ष रखने वाले हैं। और साथ साथ ग्रह गणनाओं के अनुसार से कौन सा समय आपके लिए कैसा रहेगा, कौन सा खास उपाय आपके लिए जीवन में कल्याण करने वाला रहेगा, उसके बारे में भी आप हमसे जान सकते हैं। तो कार्यक्रम आरंभ करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं सितारों की दुनिया में चलते हैं और बात कर लेते हैं पंचांग की। माँ में करेंगे कल्याण। आषाढ़ का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष विद्यमान है, चतुर्थी तिथि है और रविवार का शुभ योग है। अश्लेषा नक्षत्र आज विद्यमान है, वज्र नाम का योग बना हुआ है। चंद्रमा जो है कर्क राशि के उपरांत, कर्क राशि में जो चल रहे थे, अपने घर में चल रहे थे, उसके उपरांत सिंह राशि में आ गए हैं। अभी कुछ देर बाद ही आने वाले हैं, 6:29 पर सिंह राशि में पदार्पण कर लेंगे। शुभ मुहूर्त का समय नोट कर लीजिए, आज 12:04 से लेकर 12:57 का समय जो है बहुत शुभ रहेगा। कुछ कार्य नया आरंभ करना है तो आज की शुभ तिथि में उसका लाभ ले सकते हैं। वहीं राहुकाल जो है 5:32 से लेकर 7:12 तक रहेगा, इससे बचते हुए काम करने का प्रयास करें। आज वरदा चतुर्थी है और ऐसे में भगवान गणेश की आराधना करने का बड़ा सुंदर अवसर है। आज की चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की आराधना करने से सब प्रकार के कष्टों को दूर करने के योग बन जाते हैं। ये वरदा चतुर्थी जो है सब प्रकार के वरदों को देने वाली है, वर को देने वाली है, भगवान की पूजा विशेष तौर पर कल्याण करने वाली है। इस दिन चंद्रमा की पूजा भी विशेष तौर पर की जाती है। भारतीय संस्कृति के अनुसार से कुछ ग्रंथों में देवी की पूजा के साथ साथ कई प्रकार के विधान बताए गए हैं। गुप्त नवरात्रि भी चल रही है, ऐसे में भगवान गणेश की आराधना तो की जाती है, लेकिन साथ साथ यदि भगवती की उपासना भी कर ले तो कहा जाता है कि वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि के योग बन जाते हैं, कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। और इस व्रत के बारे में ग्रंथों में लिखा गया है कि इस दिन विधि विधान के अनुसार से गणेश जी की जो पूजा कर लेते हैं, व्रत करते हैं और नित्य प्रति पूरे दिन अहर्निश उनका जप करते हैं, गंगणादि पता इस मंत्र का जप करते हैं, उनके कष्टों को दूर करने के अद्भुत योग बनते हैं। यह व्रत सूर्योदय से शुरू होता है और अगले दिन जब खासतौर पर चंद्रोदय होते हैं उस समय तक इस व्रत को करने का खासतौर पर शास्त्र में नियम बताया गया है। चंद्र दर्शन के बाद ही भोजन करने की बात की जाती है। माँ में करेंगे कल्याण। गुप्त मनोकामना पूर्ति के लिए आज के दिन कौन सा खास उपाय करना चाहिए वो भी नोट कर लीजिए। एक नारियल को जटा पर खासतौर पर 7 कौड़ियाँ रख लीजिए और 7 गुड़हल के पुष्पों के साथ साथ थोड़े से अक्षत 1 सिक्का रखकर भगवान गणेश के समक्ष इनको उपस्थित कर दीजिए और 1 कपूर की टिकिया जलाते हुए इस पूजन के उपरांत इस सामान को नदी में प्रवाहित कर दीजिए। कपूर में अग्नि प्रज्वलित करने के बाद अपने कष्टों का ध्यान करते हुए देखिए कल्याण के योग बनेंगे, कष्ट दूर होंगे, मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। माँ में करेंगी कल्याण। ग्रहों का बड़ा विचित्र प्रकार का योग बन रहा है। शनि महाराज जो है वक्र गति से चल रहे हैं और वक्र गति से चलते चलते राशि में परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं। मानव जीवन में ये बड़ा भारी योग बना सकता है और आने वाले समय में ऐसी त्रासदी देखने को मिल सकती है। आने वाले समय में भूकंप का, जिस प्रकार से शनि जो परिवर्तन का योग बना रहे हैं वक्र गति से चलते हुए राशि में परिवर्तन करेंगे, ये अराजकता का माहौल बना सकता है। और विश्व स्तर पर कई सियासतों में उतार चढ़ाव के योग बन सकते हैं। तो इन सब स्थितियों को देखते हुए हमारे मनोमस्तिष्क पर भी कई प्रकार के दुष्प्रभाव हो सकते हैं, तो ऐसे में हमको भी कुछ खास उपाय करते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रहों की गणना साफ साफ दिखाती है कि आने वाली स्थिति पुनः परेशान कर सकती है। युद्ध इस प्रकार चल रहा है और भयावह स्थिति में जा सकता है। और आप भारत में भी देख रहे हैं, कई राज्यों में देख रहे हैं किस प्रकार की स्थिति चल रही है, मनोमस्तिष्क में कैसा बुरा प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं। जब भी शनि वक्र गति से चलेंगे लोगों के मनोमस्तिष्क पर बुरा प्रभाव होगा और इस वक्र गति से चलते हुए शनि का जो प्रभाव है वो राहु पर भी पड़ रहा है और विशेष तौर पर राहु से संबंधित जो लोग होते हैं उन पर शनि की वक्र गति का प्रभाव आपने देखा किस प्रकार से, कैसे गलत स्थिति में जाकर लोगों को परेशान करने के योग बना दिए गए, सिर काट दिया गया लोगों का, ये सारा के सारा ग्रहों का प्रभाव है। ऐसे में कुछ असामाजिक तत्व जो है और ज़्यादा परेशान करने के हालात बना सकते हैं। सरकार को उन सब पे लगाम लगाने का प्रयास करना चाहिए, कानून को और सुदृढ़ बनाने का प्रयास करना चाहिए। हमारे जीवन में समय सुखमय हो, कष्ट दूर हो, उसके लिए कौन से खास उपाय आपको कर लेने चाहिए आपकी राशि के अनुसार से, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है। मांबे करेंगे कल्याण। मेष राशि वालों, आज कुछ महत्वपूर्ण समय आपके लिए घटित होता दिखाई दे रहा है। व्यवसाय में, कारोबार में परिस्थितियां आपके पक्ष में आती दिखाई दे रही है। युवाओं के लिए, जो युवा इस राशि से संबंध रखते हैं, उनके लिए कुछ शुभ समाचार प्राप्त होने के योग बन सकते हैं, परंतु व्यवसायिक गतिविधियों के लिए खासतौर पर सावधान रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा सीक्रेसी मेंटेन करने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा आपको लाभ की जगह नुकसान हो सकता है, आपका उचित लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए कोशिश करें उचित लाभ के लिए अपने सीक्रेट्स को मेंटेन करने का प्रयास करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। नए वस्त्र आज न धारण करें, इस बात का ध्यान रखें।
बॉम्बे करेंगे कल्याण राशि वालों के लिए समय कैसा है जान लीजिए। आज मन में कुछ नया बात जागृत होती दिखाई दे रही है। परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा। व्यर्थ के कामों में धन खर्च होने से आपको बचना चाहिए, यानी बेकार के कामों में धन खर्च होने के योग दिखाई देते हैं। बड़ा खर्चा करते वक्त बहुत ज़्यादा सोच विचार करें, अच्छे समय का इंतजार कर लें, कुछ समय बाद खर्च कर लीजिएगा। बिना मतलब के कुछ कार्यों में उलझना इस बात का ध्यान रखें, वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए नीला रहेगा। नमक का दान आज की शुभ तिथि में आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। मामे करेंगे कल्याण। हम बात कर लेते हैं एक व्हाट्सएप की, जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं लोग। विनीता जी का एक प्रश्न व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे पास आ गया है। वो जानना चाहती कि मूल नक्षत्र में जिन जातकों का जन्म होता है उनका क्या प्रभाव होता है, उनके जीवन में स्वभाव किस प्रकार का होता है। सबसे पहले मूल नक्षत्र जो है वो गणमूल नक्षत्र के अंतर्गत आता है। ये विशेष तौर पे बच्चे जो होते हैं स्वयं के लिए भारी होते हैं, अपने माता पिता के लिए भारी होते हैं। इनका मूल शांति कराना सबसे पहले जरूरी है, इसलिए शास्त्र में मूल नक्षत्रों में जन्म व्यक्तियों को खासतौर पर मूल शांति करानी चाहिए। वैसे तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा तेजस्वी यशस्वी होते हैं, परंतु अशुभ प्रभावों में यदि आ जाए नक्षत्र में जन्म लेने के कारण से ये बालक कई बार क्रोधी और ईर्ष्यालु बन जाते हैं। इसलिए मूल शांति कराने से त्रम्बकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् इव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय माम् मृतात्। इस मंत्र का जप करके 27,000 जप करने से मूल शांति हो जाती है और गुरु के जीवन में सकारात्मक का आगमन करा सकते हैं आप। तो ऐसे में कुछ खास उपाय करके जीवन में कल्याण के योग बना सकते हैं। श्वान की विशेष तौर पर यानी कुत्ते की विशेष तौर पर सेवा करने का प्रयास करना चाहिए और ब्राह्मणों की विशेष तौर पर पूजन करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे उपाय करके व्यक्ति अपने जीवन में विचारों को दृढ़ कर सकता है और लक्ष्य को साधने में केंद्र को खासतौर पर ध्यान को केंद्रित करने में लाभ प्राप्त कर सकता है। मामे करेंगे कल्याण। मिथुन राशि वालों के लिए समय कैसा है जान लीजिए। ग्रह दिखाते हैं कि आज का दिन बेकार की उधेड़ बुन में व्यतीत होता दिखाई दे रहा है। आज कामकाज में कुछ चैलेंज जो है आपको परेशान कर सकते हैं, जिनकी आवश्यकता नहीं उन बातों को आप टालने का प्रयास करना चाहिए। जो भी कार्य करें दिल और दिमाग को खोलकर करने का प्रयास करें, तभी लाभ उठा पाएंगे। साझेदारी के कामों में विवाद को खासतौर पर निपटाने का आपको प्रयास करना चाहिए। रुका हुआ धन प्राप्त करने के संकेत आज मिल सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 3 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए केसरिया रहेगा। आज की शुभ तिथि में गेहूं का दान करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। मामे करेंगे कल्याण। कर्क राशि वालों के लिए समय दिखाता है कि राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए समय थोड़ा कष्टकारी दिखाई देता है, परेशानी से भरा रहेगा। आज कुछ तनाव आपको परेशान कर सकता है। शत्रुओं को खासतौर पर आपको जो है वो आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। आज शाम के समय कुछ शुभ समाचार प्राप्त होने के योग बनेंगे। स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें आपके समक्ष आ सकती हैं। शुभ अंक आपके लिए 1 है, नारंगी रंग आपको लाभ देगा। भगवान सूर्य का दर्शन करें, उन्हें अर्घ्य दें, आपके कष्ट दूर होंगे। मामे करेंगे कल्याण। सिंह राशि वालों के लिए ग्रह योग दिखाते हैं कि आज कुछ विशेष प्रकार से कार्यों को योजना बनाकर काम कर रहे हैं यदि आप, तो उसमें भी रुकावट उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। बड़ा हौसला रखा, आखिरी वक्त तक यदि काम करेंगे तब जाके संपन्न हो पाएगा काम, उसकी संभावना दिखाई देती है। ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में रह सकती है। आज नवीन वस्तु की खरीदारी संभव दिखाई देती है। ग्रहों के अनुसार से आप काम करने का प्रयास करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल रहेगा। गाय को रोटी दें, गुड़ खिलाएं, आपके लिए समय शुभ हो सकता है। मामे करेंगे कल्याण। कन्या राशि वालों के लिए समय दिखाई देता है कि आय के साधन तो बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, नए कार्य आरंभ हो सकते हैं, परंतु सोच समझी रणनीति ही कारगर साबित होगी, इस बात को समझ लीजिए। बिना सोचे समझे काम करेंगे तो फंस सकते हैं। अपनी ऊर्जा और शक्ति को खासतौर पर पूर्ण इस्तेमाल करते हुए काम करें, सफल रहेंगे। परिवार में कुछ मतभेद ना होने में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। प्रेम संबंधित जो मामले हैं उनमें कुछ उदासीनता आती दिखाई दे रही है। शुभ अंक आपके लिए 4 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए भगवा रहेगा। गायत्री मंत्र का जप करना आज की शुभ तिथि में आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं और इस वक्त हमारे पास दीपक जी का एक प्रश्न आया है। उन्होंने जानना चाहा है एक प्रश्न, वो जहाँ कहते हैं कि जिस जातक का होठ का ऊपरी हिस्सा नाक के बीच में, यानी होठ के ऊपरी हिस्से और नाक के बीच में तिल का निशान हो, तो उसका प्रभाव क्या होता है। देखिए बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। समुद्र शास्त्र के अनुसार से यदि इस बात को हम बहुत अच्छे समझ सकते हैं, जिस जातक के होठ के ऊपरी हिस्से में और नासिका के नीचे तिल का निशान हो, कहा जाता है कि ऐसा जातक कई बार किसी न किसी परेशानी से घिर सकता है जीवन में, और इससे बचने के लिए कई गलत कार्य भी व्यक्ति को करने पड़ सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में वो बहुत ज़्यादा जो है परेशानी का मोहरा बन जाता है। मामे करेंगे कल्याण। आज गुप्त नवरात्रि का चतुर्थ अवसर है और ऐसे में भगवती कुष्मांडा की आराधना करके आप अपने बहुत सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। यदि आपको बहुत बीमारी और कष्ट परेशान कर रहे हैं, तो ऐसे में अनाहत चक्र को जागृत करने का बड़ा सुंदर तिथि मानी जाती है। उनकी उपासना करें, भगवती की उपासना करके अनाहत चक्र, हृदय चक्र का ध्यान करते हुए यदि आप विशेष तौर पर भगवती की आराधना करेंगे, तो कहा जाता है कि ऐसे जातकों के जीवन में यश, आयु, आरोग्यता प्राप्त करने के अद्भुत योग बन सकते हैं। माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। आध्यात्मिक सुखों को हासिल करने के लिए बड़ी सुंदर तिथि मानी जाती है।
माँ कुष्मांडा की साधना करने से कहा जाता है कि समस्त प्रकार के रोगों से मुक्ति मिल जाती है। इसमें विशेष तौर पर नेत्र रोग, केश रोग, मानसिक रोग, हृदय रोग, मेरुदंड के इत्यादि के रोग, पित्त संबंधी रोगों को ठीक करने के लिए एक मंत्र है जो मैं आपको बताता हूँ। रोगान शेषान न पहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान न विष्टान त्वामाशितानाम विपन्न नारायणाम त्वामाशिता हया श्वेताम प्रयांति। इस मंत्र का जप करके आप लाभ ले सकते हैं। माँ कुष्मांडा का विशेष तौर पर बुध ग्रह के साथ भी संबंध माना गया है। एक ज्योतिषी दृष्टिकोण से बुध ग्रह का जिनका अनुकूल नहीं है, उसकी यदि कमजोर है, तो माँ कुष्मांडा की यदि विधि विधान के साथ पूजन किया जाए तो उसमें सुधार हो सकता है। माँ कुष्मांडा का ध्यान करते हुए पेठे का दान करना, पेठे का खासतौर पर बलि देना, मांगलिक कार्यों में शुभ कार्यों से संबंध रखते हुए तो आप यदि कार्य करेंगे तो जीवन में कल्याण के युग बनेंगे। माँ कुष्मांडा का विशेष तौर पर पेठे के साथ संबंध होता है, तो आज की शुभ तिथि में माँ भगवती को पेठे का भोग लगाएं, पेठे का सेवन करें तो आप कल्याण के योग बन जाते हैं। माँ अंबे करेंगी कल्याण। तुला राशि वालों के लिए समय कैसा है जान लीजिए। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत दे रहे हैं ग्रह। शेयर्स में जो काम करते हैं, तेजी मंदी के जो ताल्लुक रखते हैं व्यवसाय में, उनको बहुत सावधानी के साथ आज की तिथि में काम करना चाहिए। रुपये पैसे के मामले में किसी पर भरोसा और ज़्यादा विश्वास न करें, आज के लिए समय जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। आज महत्वपूर्ण कार्य को यदि बार बार कार्य में विलंब हो रहा है तो उससे अच्छे से करने का प्रयास बना लें, सूची पहले से तैयार कर लें और फिर मामलों को सूचीबद्ध तरीके से सुलझाने का प्रयास करें। मेहमानों का आगमन होता दिखाई दे रहा है, थोड़ी व्यस्तताएं बढ़ सकती हैं। शुभ अंक आपके लिए 5 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए हरा रहेगा। किसी ब्राह्मण की सेवा करें, सन्यासी को अंग वस्त्र का दान करें, आपके लिए कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। माँ में करेंगे कल्याण। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय कैसा है जान लीजिए। आज मान सम्मान में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं, ग्रहों के अनुसार से मेल जोल बढ़ता दिखाई दे रहा है, परंतु स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा आपको सावधानी रहने का प्रयास करना चाहिए। आज किसी भी टेंडर का आवेदन या खासतौर पर आवेदन आप करना चाहते हैं तो उस क्षेत्र में भी आपको सावधानी के साथ काम करना चाहिए। ग्रहों का प्रभाव तो आपके अनुकूल दिखाई देता है, योजना को गोपनीय अवश्य रखने का प्रयास करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम रहेगा। आज गुप्त दान करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। माँ अंबे करेंगे कल्याण। अब हम बात कर लेते हैं एक और व्हाट्सएप की। जी हाँ, वो भी आया है स्वप्न विज्ञान के संबंध में ही। और इस वक्त हमारे पास जो आलोक जी का प्रश्न आया, उन्होंने सपने में देखा कि वो कहीं जा रहे हैं, उनकी गाड़ी का जो पहिया है वो टूट गया, जानना चाहते संकेत क्या है। देखिए, सपने में गाड़ी का पहिया यदि टूटते हुए देखें तो शुभ संकेत नहीं माना जाता। आने वाले समय में कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में रुकावट आने के योग दिखाई देते हैं। किसी भयानक विपत्ति, भारी विपत्ति का सामना आपको करना पड़ सकता है। ऐसे में अपने कष्टों को दूर करने के लिए माँ भगवती की आराधना करें। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती काली का ध्यान करने से ऐसे कष्टों को दूर करने के योग आप बना सकते हैं। माँ में करेंगी कल्याण। धनु राशि वालों के लिए समय कैसा है जान लीजिए। कटु शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, इस बात का ध्यान रखें, रिश्ते बिगड़ सकते हैं। ग्रह साफ साफ दिखा रहे हैं, धैर्य से काम लें। मौन आपकी समस्याओं को खत्म करने के योग बना सकता है। कहावत है, एक चुप 100 को हराए, इसलिए कोशिश करें मौन का पालन करें। काम का नतीजा आपके फेवर में आता दिखाई दे रहा है। व्यर्थ के खर्चों में बजट को खराब करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए व्यर्थ के खर्चों को हटाने का प्रयास करें। कोशिश करें कुछ खर्चे अभी के लिए टाल दें, बाद में कर लीजिएगा, कल्याण के योग बना सकते हैं आप। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए मैरून रहेगा। किसी मंदिर में पूजन की सामग्री का दान करें, आपके लिए कल्याण के योग बनेंगे। माँ में करेंगी कल्याण। मकर राशि वालों के लिए समय कैसा दिखाई देता है जान लीजिए। ग्रह दिखाते हैं कि महत्वपूर्ण फैसलों को लेने के लिए आज आपको पहले से पूरा विचार कर लेना चाहिए। तनाव थोड़ा रहता दिखाई दे रहा है। उलझने पैदा करने वाले व्यक्तियों को खासतौर पर अपने जीवन से दूर रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। घरेलू कार्यों में थोड़े व्यस्त ज़्यादा रहते दिखाई दे रहे हैं। सामाजिक कार्यों में यश बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। मित्र और शुभचंदों की जो प्रेरणा है वो आपको मिलती दिखाई दे रही है। धन लाभ के अवसर आपके समक्ष आ सकते हैं। शुभ अंक 1 है, शुभ रंग आपके नारंगी रहेगा। भगवान सूर्य की उपासना करें, आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ करें, ओम घने सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें, कल्याण होगा। मांबे करेंगे कल्याण। कुंभ राशि वालों के लिए समय कैसा है जान लीजिए। वित्तीय समस्याओं के लिए आज का दिन, खासतौर पर हम लोग के लिए आज का दिन शुभ रहता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावधानी रहने की जरूरत दिखाई देती है। पुरानी घटनाओं को लेकर मन में भावुकता आती दिखाई दे रही है, उसको अवॉइड करने का प्रयास करें। रात गई बात गई भूल जाइए, आगे दिन करने का प्रयास करें। आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। गरिष्ठ भोजन से बचने का प्रयास करें, छोटी यात्राओं का कार्यक्रम बन सकता है। शुभ अंक आपके लिए 5 है, फिरोजी रंग आपको लाभ देगा। गणपति की आराधना करें, उन्हें दूर्वा अर्पित करें, आपके लिए शुभ रहेगा। मांबे करेंगे कल्याण। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। नए मेल जोल बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, किंतु कार्यों को पूर्ण करने के लिए थोड़ी बाधाएं आपके समक्ष आ सकती हैं, परंतु अंततः समय सफलतापूर्वक रहेगा। वार्ता में थोड़ा विलंब होता दिखाई दे रहा है। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती दिखाई दे रही है। आपके द्वारा जो निर्णय लिए जाएंगे वो आपके लिए उन कार्यों की सराहना होती दिखाई दे रही है। छात्रों के लिए थोड़ी अधिक मेहनत करने की आवश्यकता दिखाई देती है। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए पीला रहेगा। मंदिर में जाएं, पूजन करें, एक देसी घी, शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करें, भगवान का आशीर्वाद आपको मिलेगा।
बॉम्बे करेंगी कल्याण, हम बात कर लेते हैं हेल्दी टिप के बारे में। देखिए महीनों हफ्तों से यदि किसी की खांसी खत्म नहीं हो रही, देखिए आजकल कोरोना काल फिर शुरू हो गया है और खांसी बहुत परेशान कर देती है लोगों को। खांसी यदि कोई खांस दे आपके आसपास तो खासतौर पे कई बार देखिए पूरी दुनिया उसको घूर के देखने लगती है। पहले नहीं होता था ऐसा, लेकिन कोरोना वायरस के बाद से बहुत ज़्यादा विचित्र समस्या हो गई है। यदि काफ़ी लंबे समय से खांसी चल रही है तो उसका तुरंत इलाज करने का प्रयास करें। आजकल गले में खराश, नाक बंद जो सिम्टम्स हैं, कई सारे वायरसेस के सिम्टम हैं, इसका तुरंत आपको सही से चिंतन कर लेना चाहिए। चिंता आपके मन में उत्पन्न हो सकती है, कोई हैरानी की बात नहीं है। यदि चिंता कर रहे हैं तो आप कोशिश करें, कुछ खास टिप हम आपको बताने जा रहे हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और आपको लाभ ले सकते हैं। खांसी वैसे तो एक सामान्य खासतौर पर लक्षण है, लेकिन आजकल जिस प्रकार की समस्या वातावरण बन रहा है, धूल मिट्टी इत्यादि, पॉल्यूशन इत्यादि, और उसके कारण से पॉल्यूशन के साथ साथ हमारे लाइफस्टाइल के कारण से हमारे जो खासतौर पर लंग्स की समस्या बहुत ज़्यादा उत्पन्न कर रही है, और वायरस ने तो इस समस्या को बहुत बढ़ा दिया है। खांसी को दूर करने कुछ हेल्दी टिप्स आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं, आप नित्यप्रति इसका सेवन करके लाभ ले सकते हैं। खांसी के खासतौर राहत पाने के लिए एक चम्मच शहद आप लेने का प्रयास करें, जिनको शुगर नहीं है वो ले सकते हैं, उसके साथ साथ अदरक भी खासतौर पर लेने का प्रयास करें। यदि खांसी का इलाज तुरंत ना किया जाए तो कई बार बहुत ज़्यादा खांसी बढ़ सकती है, एक चक्र के साथ विकसित हो सकती है। ऐसे में आप गले में अधिक जलन महसूस कर सकते हैं, उसमें सूजन भी आ सकती है। तो खांसी, सूखी खांसी को यदि कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं तो आप ठीक से उसको ठीक करने के लिए आप कोशिश करें, उसके इलाज के लिए आप नित्यप्रति स्टीम का इस्तेमाल करें। स्टीम आपको बहुत बढ़िया दे सकते हैं। मुलटी की लकड़ी जो है वो आप नित्यप्रति चूज़ कर भी आप अपनी जो खुश्क खांसी है उसको ठीक करने के लाभ ले सकते हैं। अदरक का नित्यप्रति यदि शहद के साथ सेवन करेंगे तो आपको बहुत जल्दी से लाभ देने के योग बनाएगा। तुलसी के पत्तों का सेवन करना, तुलसी के बीज का सेवन करना, उसको चबा लेना भी राहत दे सकता है आपको। जिन लोगों को कोविड से जुड़ी हुई खांसी है और उसके बाद कोविड के ठीक होने के बावजूद भी ये परेशान कर रही है, तो और लेटने के वक्त खासतौर पर पीठ के बल लेटने में आप परेशानी ज़्यादा होती है, तो उनको खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। बलगम को जमा ना होने दें, उसके लिए अपने इम्यून सिस्टम को आप स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त हो। अपने खाने में खासतौर पर आप ध्यान रखें, आप काली मिर्च का नित्यप्रति इस्तेमाल करें। काली मिर्च बहुत बढ़िया तरीके से आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लाभ दे सकती है। शहद के साथ काली मिर्च का यदि इस्तेमाल करेंगे, थोड़ी सी सुंड उसमें डाल लेंगे, तो आपकी बहुत ज़्यादा इम्यून को स्ट्रॉन्ग करेंगे, एलर्जिक जो खांसी है उनको ठीक करने में आपको लाभ दे सकते हैं। मामा करेंगे कल्याण, अब समय है आपसे विदा लेने का, कल फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे, आपके प्रश्नों के समाधान देंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम आदित्याय विद्महे सहस्त्रकिरणाय धीमहि तन्नो भानुः प्रचोदयात्।